फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, और उसके बाद मेरा फोकस रहेगा मोपअप राउंड। मेन चीज़ मेरा इस वीडियो में मोपअप राउंड के बारे में आपको बताना है कि कम मार्क्स आपके होते हुए भी किस प्रकार आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो प्लीज़ एंड तक का मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आ जाते हैं हम ऑल इंडिया काउंसलिंग में। आप सभी जानते हैं कि कॉलेजों की सीटें जो होती हैं 15% वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लगभग 80 से 85% सीटें जो होती हैं वो फिल हो जाती हैं। उसके बाद की जो बची सीटें वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 85 से लेकर आपकी 98% सीटें फिल हो जाती। अब आपके पास बची सिर्फ 2% सीटें। 2% सीटें जो फिल होती हैं वो मोपअप राउंड में फिल होती। अब बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुई उसमें जो कुछ सीटें बची तो वो क्या हो जाती है, स्टेट को सीटें ट्रांसफर हो जाती कि भैया अब जो सीटें बची हैं वो आप फिल कर लो। उसके बाद स्टेट में भी अगर सीटें फिल नहीं होती हैं तो वो सीटें कहाँ जाती हैं, आपकी मोपअप राउंड में होती हैं। मोपअप राउंड में सीटें क्यों बची होती हैं, क्योंकि कुछ स्टेट के बच्चे होते हैं जो दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं। यह अब क्या होता है, कुछ NRI कोटा होता है, जैसे कुछ स्टेट हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में NRI कोटा है। जी हाँ, जैसे पंजाब है आपका, पांडिचेरी है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और आपका गुजरात और मिजोरम है। तो यहाँ पर NRI कोटे से सीटें हैं, जो कि कुछ सीटें बच जाती हैं वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में या स्टेट काउंसलिंग में। फिर फ्रेंड्स, NRI कोटे से सीटें बच इसलिए जाती हैं क्योंकि 1 लाख अमेरिकन डॉलर आपको एक बार में जमा करना पड़ेगा अगर आप पंजाब और पांडिचेरी स्टेट में एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर आप हरियाणा या हिमाचल प्रदेश में एडमिशन लेते हैं तो आपको इस स्टेट में 20,000 अमेरिकन डॉलर पर ईयर जमा करना पड़ता है। बात वही होती है, लेकिन इसमें पर ईयर जमा करना पड़ता है और उस स्टेट में आपको 1 लाख अमेरिकन डॉलर एक बार में ही जमा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा दें कि पंजाब स्टेट का कोई कॉलेज है जहाँ पे 3 सीटें बच जाती हैं, वहाँ का कोई भी स्टूडेंट ऑल इंडिया काउंसलिंग में उस स्टेट में एडमिशन नहीं लेता है और 3 सीटें बच जाती हैं उस कॉलेज में। और आपका क्या होता है, NRI कोटे से 5 सीटें बच जाती हैं, तो टोटल आपके पास हो गई 8 सीटें। ये 8 सीटें आपकी कहाँ पे चली गई, मोपअप राउंड के थ्रू। फ्रेंड्स, वैसे तो हम आपको काउंसलिंग के स्टेप बताएंगे, लेकिन जब आपने मान लिया था आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया आपका नहीं हुआ, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में किया आपका नहीं हुआ, तो आपका क्या होता है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको देखना है कि स्कोर कहाँ पे था और आपका स्कोर कितना है। मान लेते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो स्कोर था वो 582 पे क्लोज हो गया था। जाहिर सी बात है कि मोपअप राउंड की काउंसलिंग में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो उनका मार्क्स जो होगा वो 581 के करीब होगा या 580 होगा, या आपका ये भी हो सकता है 400 भी हो सकता है या 450 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मोपअप राउंड की काउंसलिंग जो होती है वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए होती है और यहाँ पे आपको फिजिकल अपेयरेंस देना ज़रूरी होता है, आपको वहाँ जाना पड़ता है। अब हम ये मान लेते हैं कि कम मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन कैसे मिल जाता है। हो सकता है कुछ बच्चों ने मोपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन ही ना किया हो, ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे वहाँ पे उस स्टेट में पहुँच ही ना पाए हों, क्योंकि आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है, ये देखना है कि किस स्टेट में सीटें बची हुई हैं, सबसे ज़्यादा सीटें किस स्टेट में बची हुई हैं, आपको इस बात पर ध्यान देना है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि सबसे कम किस स्टेट में सीटें बची, दो चीज़ पे आपको ध्यान देना है। एक आपको देखना है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सीटें हैं और एक आपको देखना है कि किस स्टेट में सबसे कम सीटें हैं, क्योंकि आपका ये भी है कि ज़्यादा सीटें होंगी तो भी आपका एडमिशन हो सकता है और अगर कम सीटें हैं तो आपका भी एडमिशन हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पर तो सीटें कम है भाई, हम यहाँ पर एडमिशन हमारा हो ही नहीं पाएगा, तो ये सोच करके कोई उस स्टेट को फिलअप करता ही नहीं है। फ्रेंड्स, मोपअप राउंड के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा,
तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। आपको ये देखना है कि किस स्टेट में सीटें बची हुई हैं, ज़्यादा या कम, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, क्योंकि मोपअप राउंड में आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, 2 या 3 दिन से ज़्यादा आपको स्टेट में टाइम नहीं मिलता है। तो आपको तुरंत वहाँ पे जा कर के वहाँ पे फिजिकल अपेयरेंस देना है। इससे आप फ्लाइट्स के थ्रू अभी आप जा सकते हैं, आपको सीटें लेनी है तो। अब एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे फ्रेंड, जैसे आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग किया, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में क्या यूनिवर्सिटियाँ क्या चाह रही हैं कि आपको डोमिसाइल ज़रूरी है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका डोमिसाइल होना भी ज़रूरी है उस स्टेट का जिस स्टेट में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। लेकिन एक ख़ास बात हम आपको बता रहे हैं, मोपअप राउंड में कोई भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है, खाली आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर फिजिकल अपेयरेंस देना ज़रूरी होता है। आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप मोपअप राउंड की काउंसलिंग कराएं, आप फिजिकल अपेयरेंस हो तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे जाएं, डीडी आपके साथ होना चाहिए, आपके पास साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको लेकर के वहां उस स्टेट में आपको प्रवेश करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको सीट मिल जाए और उसके बाद आपके पास डीडी ना हो या आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। ये भी है कि अगर आपको वहां पे सीटें उस स्टेट में मिल जाती हैं तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप सोच लो कि इतने कम मार्क्स पे इस स्टेट में एडमिशन हुआ तो दूसरे स्टेट में हो सकता है मेरे अच्छे मार्क्स हो जाए, तो आप सोचो कि हम दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश को पता चले उस स्टेट में भी ना हो पाए और वहाँ से भी हाथ धो दें। इसलिए भैया जहाँ पे जैसे भी मिलता है आप सीट को रिसीव करो, आप एडमिशन लो उसमें। ये बात भी सच है कि आपका 450 मार्क्स होते हुए भी आप अगर दिमाग से काम किए तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। मोपअप राउंड के बाद भी अगर सीटें फिल नहीं होती हैं तो गवर्नमेंट का रूल देखिए फ्रेंड्स, नीट स्टे वैकेंसी के थ्रू सीटें फिल हो जाती हैं, क्योंकि जो भी सीटें बच जाती हैं वो नीट स्टे वैकेंसी के थ्रू सीटें फिल हो जाती हैं। ये कोई भी कॉलेज चाहे गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी अपनी सीटों को बर्बाद नहीं करता है, कोई भी सीटें खाली नहीं जाने देता है। चीज़ हम आपको और बताएंगे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप होपलेस मत होइए, आप मोपअप राउंड का वेट करिए और इसमें आप गिद्ध की तरह नज़र रखिए कि देखिए आप कहाँ पे किस कॉलेज में सीटें किस स्टेट में वैकेंट है, तो उस स्टेट के लिए आप फिल करिए। आप एक या दो से ज़्यादा स्टेट को फिल मत करिए कि जहाँ पे आप आसानी से फिजिकल अपेयरेंस दे सकें, जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकें, तो आपको कम मार्क्स पे भी अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।